फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद योगिता। एंड अक्षय तृतीया की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया के लिए हम बनाएंगे गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, चलिए देख। सूजी की गुजिया बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है सूजी। ये 250 ग्राम सूजी मैंने ली है, बारीक सूजी ली है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने काजू, बादाम, चिरौंजी इतना लिया है, देसी गाय का घी, और यहाँ पे मैं जागरी शुगर ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ, इलायची, किशमिश, जायफल, रेसोन पाउडर लिया है जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, जिंजर पाउडर। वैसे तो गुजिया के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि हम मावे की गुजिया बनाते हैं, नारियल की बनाते हैं, लेकिन आज मैं ये ट्रेडिशनल रेसिपी जो मेरी मम्मी की है ये आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अभी हम सूजी को घी में भून लेंगे। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ गाय का घी, 100 ग्राम घी यूज करूंगी यहाँ पे। मीडियम आंच पे हमें सूजी को भूनना है। घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूंगी सूजी। चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे। जैसे कि हम सूजी के लड्डू के लिए भूनते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे सूजी भूनना है। सूजी हल्का सा भून गया है, इसी में हम ऐड करेंगे जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी के साथ वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे घी में। इसी में हम ऐड करेंगे किशमिश। और जो इलायची सोप लिया है इसे हम मिक्सर में बारीक कर लेंगे, ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची सोन और जायफल की पाउडर बनके रेडी है, ये पाउडर हम सूजी में ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू आने लगती है इससे, और खाने में भी ये गुजिया इतनी टेस्टी लगती है। वैसे तो गुजिया हर फेस्टिवल में हम बनाते हैं, मोस्टली होली में बनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया के दिन बनाते हैं, इसलिए मैं अक्षय तृतीया के लिए गुजिया बना रही हूँ। और ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे और ये सूजी हमारी भुन के बिल्कुल रेडी है। सूजी भुन के बिल्कुल रेडी है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जागरी पाउडर। आप यहाँ पे शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जागरी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे गुड़ की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा जब भी स्वीट बनाती हूँ तो गुड़ ही यूज़ करती हूँ। आप इसमें नॉर्मल जो व्हाइट शुगर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम जागरी पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जागरी पाउडर हमने इसमें मिक्स कर दी है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारी गुजिया बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है, वो यानी कि मिल्क। 1 बाउल मिल्क लिया है मैंने यहाँ पे। मिल्क हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं कि जो सूजी हमने भुना है, मिल्क ऐड करने से वो थोड़ा फूल जाती है, इसलिए इस बैटर का इस्तेमाल हम कल करेंगे, ताकि रात भर में ये सूजी और अच्छे से फूल जाएगी दूध के साथ। और मिल्क ऐड करेंगे, पूरा 1 बाउल मिल्क इसमें हमने ऐड किया है।
बैटर को अच्छे से ढककर रात भर रख देंगे। करंजी का स्टफिंग अच्छे से बनके रेडी है, जो हमने कल बनाया था बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, जैसे हम मावा की बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अभी हम करंजी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, गरम ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है आटे में और गुनगुने पानी से, जैसे हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं वैसे हम ये आटा लगा लेंगे। आटा गुन के रेडी है, अभी हम घी गरम होने के लिए रख देंगे। करंजी बनाना हम अभी स्टार्ट करेंगे। मेरे पास से बाजार में मिलता है वो मोल्ड है करंजी का, यह आसानी से इंडिया में मिल जाता है। एक करंजी कटर है, और अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो आप फोक से भी ये करंजी बना सकते हैं। तो मैं तीनों पैटर्न से करंजी बनाना आपको दिखाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे हमारा घी गरम हो चुका है, अभी हम करंजी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम 10 पूरियां हम बेल लें। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ऐसे साइज में हम पूरियां बेल लेंगे। मैं सारी अभी हम स्टफिंग फिल करेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटी पूरी ली है जो हम फॉर्क के मदद से बना रहे हैं, वो करंजी स्टार्टिंग में बनाऊंगी। बहुत इजी है, जिनके पास मोल्ड नहीं है वो भी आसानी से घर पे फोक के मदद से बना सकते हैं। साइड में थोड़ा मिल्क लगाना है, मिल्क इसलिए कि ये आटा सूखा ना हो जाए अच्छे से चिपकने के लिए, मैं यहाँ पे मिल्क यूज कर रही हूँ। जहाँ पे हमने मिल्क लगाया है उस साइड में अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये हो गई हमारी नॉर्मल ऐसी करंजी रेडी, लेकिन हम इसे डिजाइन करेंगे फोक से, बिल्कुल आसान है। और ये कितने अच्छे से रेडी हो गई, आप देख सकते हैं कितना आसान है बनाना। अभी हम मोल्ड में बनाएंगे, मुझे थोड़ा सा आटा डालना है और इसके लिए थोड़ी बड़ी पूरी लगती है, तो ये मैंने बड़ी बनाई है ताकि ये अच्छे से कट हो सके। इसी के अंदर हमें स्टफिंग फिल करना है। अभी हम इसे मिल्क लगाएंगे साइड में। आप पानी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं और अच्छे से प्रेस करना है। साइड का आटा निकाल लेना है, जितना निकले उतना निकाल लेंगे। और ये हमारी मोल की करंजी रेडी है, साइड का आटा निकाल लेंगे वैसे भी अच्छे से। और ये हमारी मोल्ड वाली करंजी बनके रेडी है। अभी हम कटर वाली करंजी बनाएंगे, जो कटर से कट करेंगे सेम प्रोसेस है। और ये सबसे आसान तरीका भी है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी आती है। सबसे ज़्यादा मुझे यही करंजी पसंद आती है, दिखने में भी ये मस्त दिखती है और आसानी से जल्दी से हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हो गई।
घी हीट हो चुका है, अभी हम करंजी तलना स्टार्ट करेंगे। डीप फ्राई करना है हमें, आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में जो करंजी हम फ्राई करते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हल्का सा ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, ऐसा ही हमें सारी करंजी फ्राई करना है अच्छे से हल्के से गोल्डन होने तक। करंजी बनके रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।